सनसनी ऑफ इंडिया। मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए महिलाओं और युवतियों को शादी करने का झांसा देकर उनकी न्यूड तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल करके वसूली करने वाले एक शख्स को दिल्ली पुलिस ने दबोचा है। आरोपी शादी का वादा कर महिलाओं से वीडियो कॉल करता था। आरोपी वीडियो कॉलिंग के दौरान महिलाओं और लड़कियों की न्यूड तस्वीरें खींच लेता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता था। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों की कई लड़कियों को आरोपी ने अपने जाल में फंसाकर वसूली की। पकड़े गए आरोपी की पहचान शास्त्री नगर, सहारनपुर, यूपी निवासी 32 वर्षीय साहिल सचदेवा के रूप में हुई है। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त आर सत्यसुंदरम ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर 2021 में एक 32 वर्षीय युवती ने थाना शाहदरा में ब्लैकमेल कर ठगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़िता ने बताया था कि betterhalf.com मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए उनकी पहचान साहिल सचदेवा नामक युवक से हुई थी। युवक ने खुद को बीटेक व एमबीए डिग्री धारक बताया था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। उसने उससे शादी करने के झूठे वादे किए। उसके आश्वासन पर दोनों ने संबंध बनाने शुरू कर दिए। फिर वीडियो कॉल पर बात होने लगी। वीडियो कॉल के दौरान शादी का झांसा देकर युवक ने उसका न्यूड वीडियो बना लिया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसने 2 लाख रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद भी उसकी रुपयों की मांग जारी है। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त आर सत्यसुंदरम ने आरोपी को दबोचने के लिए राजेश कुमार मीणा एसीपी शाहदरा की सुपरविजन व राजीव कुमार वर्मा एसएचओ शाहदरा थाना के नेतृत्व में एसआई देशपाल, महिला एसआई अनु पुंडीर और कांस्टेबल योगिंदर की एक टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने जांच में पाया कि पीड़ित युवती ने यूपीआई के माध्यम से आरोपित युवक को ऑनलाइन भुगतान किया है। जांच टीम ने साइबर सेल की मदद से यूपीआई से जुड़े आरोपित के खातों की जांच की। जांच में पुलिस टीम को पता चला कि आरोपित ने बैंक अकाउंट मकान नंबर 4B शास्त्री नगर सहारनपुर के पते पर खोले हुए हैं। बैंक खातों में मिले एड्रेस पर जांच टीम ने छापेमारी की। आरोपी सहारनपुर के पते पर नहीं मिला। टीम को पता चला कि आरोपी दिल्ली में कहीं रह रहा है। शार्प माइंडेड आरोपी साहिल अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। टीम ने आरोपी का मोबाइल सर्विलांस पर लगाकर नजर रखनी शुरू कर दी। टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आरोपी की पिन पॉइंट लोकेशन नेब सराय साकेत में दिखाई दी। पुलिस टीम ने पिन पॉइंट लोकेशन पर छापेमारी कर आरोपी साहिल सचदेवा को दबोच लिया। छानबीन के दौरान को आरोपी से वो मोबाइल भी मिल गया, जिसमें पीड़िता समेत देशभर की कई लड़कियों के आरोपी ने इसी तरह अश्लील वीडियो बना रखे थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपी साहिल सचदेवा के खिलाफ पुलिस स्टेशन शाहदरा में दिनांक 21 जनवरी 2022 को एफआईआर संख्या 58/22 धारा 384 के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो बेरोजगार है और शॉर्टकट रास्ते से पैसा कमाने के लिए उसने मैट्रिमोनियल साइट betterhalf.com पर अपना प्रोफाइल बनाया और शादी के झूठे वादों पर कामकाजी लड़कियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वीडियो कॉलिंग के दौरान लड़कियों को विश्वास में लेकर उनकी नग्न तस्वीरें लेता था और उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे वसूल करता था। जांच के दौरान पुलिस टीम को आरोपी ने बताया कि उसने 3 और लड़कियों को ब्लैकमेल करके 2-2 लाख वसूले हैं। आरोपी साहिल के मोबाइल में 4 से अधिक लड़कियों की नग्न तस्वीरें और वीडियो भी मिले हैं। 32 वर्षीय आरोपी साहिल सचदेवा पुत्र विनय सचदेवा निवासी मकान नंबर 4B शास्त्री नगर सहारनपुर ने आशा मॉडर्न स्कूल सहारनपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की है। उसके बाद इसने लवली यूनिवर्सिटी जलंधर पंजाब से बीटेक और सहारनपुर यूपी से एमबीए की डिग्री पूरी की। अब वो अविवाहित और बेरोजगार है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।